भी मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे नेम लिखूं और यहाँ पे मैंने क्वार्टर वन कर दिया, तो क्वार्टर वन में कितने होते हैं? जैन फेब मार्च होते हैं, इन तीनों का टोटल यहां पे आना चाहिए। मुझे इन तीनों का टोटल यहां आना चाहिए। अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, तो ध्यान से देखिए हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं यहां पे क्वार्टर वन लिखूं और मुझे क्वार्टर वन में जैन पे मार्च का टोटल यहां आना चाहिए। अगर मैंने क्वार्टर टू कर दिया तो फिर ये अप्रैल मई जून का डेटा यहां शुरू करेगा। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि हम इसको कैसे करेंगे, मतलब कि इसके लिए एक्सेल का कोई फॉर्मूला है? जी नहीं, इसके लिए आपके पास एक्सेल का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन मुझे इसके लिए अपना एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ओके, कैसे बनाए? चलिए, तो सबसे पहले मुझे हर महीने का स्टार्टिंग पता करना होगा, तो इसके लिए मैंने चूज का फॉर्मूला लिया। एक चूज का फॉर्मूला होता है जिसमें सिक्वेंसली हम डालते हैं और अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो अगर चूज इसमें इनपुट अगर वन मिला तो यहाँ पे जैन आएगा। अब वन कैसे डिसाइड करेगा? सिक्वेंस से। अगर टू मिला तो ये देगा अप्रैल, तो मैं हर क्वार्टर की पहली मंथ यहाँ डाल दे रहा हूँ। फिर यहां पे आपका आ गया अप्रैल जुलाई, तीन अगर हुआ तो जुलाई और चार हुआ तो अक्टूबर। तो यहां पे हर महीने की हमने डेट डाला हुआ, हर महीने सॉरी हर क्वार्टर की पहला महीना, हर क्वार्टर की पहले महीना यहां पर आ जाता है। तो चूज फॉर्मूला इसने क्या किया कि अगर बी एलेवन पे वन है तो यहाँ पे जैन दिखा गया, टू है तो यहाँ पे अप्रैल, थ्री है तो सिक्वेंसली इस तरह से इसने काउंट किया हुआ है, राइट? रिजवान जी, मेरे रिजवान जी नहीं आया। तो यहां पे महीने का फर्स्ट मंथ, हर महीने का फर्स्ट मंथ यहां पे आ गया, हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ आ गया। और मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा किसकी? मैच। तो मैच फॉर्मूला, रिजवान जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस एवरी मंथ यहां पे इस मंथ के रिगार्डिंग इसका सीक्वेंस नंबर शो करेगा, जैसे कि हम यहां पे जीरो कर दिया। यहां पे देखिए किसने बताया कि जैन जो है दूसरे कॉलम में है। सो मुझे पता चल गया कि जैन दूसरे कॉलम में है। फिर वापस मैंने यहां पे मैच लगाया और हमने इसको सेलेक्ट किया और अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। इसने बताया कि मेरा जो पूजा है वो दूसरे कॉलम में है। तो मैं यहां पे एड्रेस फॉर्मूला की मदद से एड्रेस बनाऊंगा कि रो नंबर टू एंड कॉलम नंबर टू। वापस एड्रेस दूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ होगा रो नंबर टू और कॉलम नंबर टू प्लस टू, टू प्लस टू। तो टू प्लस टू मतलब कि यहाँ डी टू आ गया। तो मुझे पता चल गया कि मेरा फर्स्ट क्वार्टर का डेटा जैन से मार्च तक है। अगर मैं क्वार्टर टू करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा डेटा है यहाँ पे ई टू से लेके जी टू तक, ई टू से लेके जी टू तक है, ये हमें यहां पे शो कर दिया। अब मुझे इनको एक सम के फॉर्मेट को, कि जब मैं इसको सम फॉर्मूला को दूंगा तो सम फॉर्मूला में इस तरह का फॉर्मेट चाहिए होगा, बी टू से बी टू इस डी टू इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉनकेटेनेट कर देंगे इस तरह से।
रिजल्ट आपके सामने आ गया E2 से G2, लेकिन मैं इसको अगर सम में डालता हूं तो रिजल्ट नहीं देगा। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि A जो है एक टेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे कि अगर आप A1 लिखते हैं तो आपका A1 का रेफरेंस दे देता है, लेकिन इसी A1 को अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन मार्क के अंदर डाला तो जस्ट शो A1। डबल कोटेशन मार्क में डालते ही ये समझ गया कि टेक्स्ट है और इस पे इन्होंने कुछ ऐसा जैसा वैल्यू था वैसा ही यहां पे शो कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इनडायरेक्ट। हम सम लगाते समय इनडायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, मतलब ये बताएगा कि ए टेक्स्ट नहीं है, ए एक रेफरेंस है। जगन्नाथ जी प्लीज वेबकैम को ऑफ कर लीजिए, क्लास में वेबकैम की कोई जरूरत नहीं है। तो रिजवान जी प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। मैं यहां पे सम के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन लगाया और हमने इनडायरेक्ट में इसको सेलेक्ट कर लिया, क्लोज क्लोज और एंटर मारा, रिजल्ट आ गया। तो रिजवान जी क्वेश्चन ये था कि मेरे पास जो डेटा है ये डेटा इस तरह से डेटा है हमारा, मंथ वाइज डेटा है, बट किसी जगह पे मुझे चाहिए क्वार्टर वाइज डेटा कि मैं नेम डालूं और क्वार्टर डालूं तो मुझे उस क्वार्टर का डेटा 200 शो होना चाहिए। अगर मैं क्वार्टर वन करता हूं तो यहाँ पे क्वार्टर वन होना चाहिए, अगर क्वार्टर टू किया तो क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री किया तो क्वार्टर थ्री, अगर मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया तो उस पर्टिकुलर नेम का डेटा होना चाहिए। अब इस प्रोसेस को करने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या किया, कई सारे फॉर्मूले को मिक्स किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगाया जो कि इस थ्री को कन्वर्ट करेगा क्वार्टर थ्री की पहली मंथ में। तो हमने बोला B1 अगर 1 है तो जैन, 2 है तो अप्रैल, 3 है तो जुलाई, 4 है तो अक्टूबर। तो चूज सीक्वेंस में सीक्वेंसली, मतलब कि वो इंडेक्स नंबर लेता है और उसकी सीक्वेंस में रिजल्ट को शो करता है। तो इसने उस महीने का फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ यहाँ पे शो कर दिया। फिर मैच फॉर्मूला से हमने पता किया कि वो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का कॉलर नंबर क्या है, तो कॉलर नंबर हमें पता चल गया 8 या जो भी डालेंगे, अगर 1 दिया तो मान लीजिए 2 है, मतलब कि यहां। अब यहां हरिंदर जी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से वॉइस सही है? तो यहां पे हमारा क्वार्टर आ गया, उसके बाद वापस हमने नेम का वर्ड मैच करके मेरा रो नंबर निकाल दिया। तो मेरे पास रो नंबर एंड कॉलम नंबर एंड रो नंबर है, तो हमने यहां पे एड्रेस फॉर्मूला की मदद से किया कि एड्रेस फॉर्मूला रो एंड कॉलम को नंबर्स पे लिखने पे आपको नंबर्स को शो करता है, मतलब एड्रेस शो करता है। तो इसने एड्रेस को शो कर दिया B7। अब मुझे B7 हमने क्वार्टर के स्टार्टिंग पता चल गया, जो भी क्वार्टर हम देते हैं वो क्वार्टर पहला पता चल गया। और फिर हमने वापस हमने एड्रेस लगाया, इसमें हमने टू, इसमें जो हमारा कॉलम था स्टार्टिंग कॉलम था उसमें प्लस 2 कर दिया, तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया D7। फिर उसको एड्रेस की तरह दिखने के लिए हमने इसको कंबाइन किया, बीच में हमने कॉलम का सेपरेशन दिया और फिर हमने इसको सम में लिया, बट सम में लेते समय हमने इनडायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अभी तो कई, अब यहाँ पे एक नई चीज आती है कि कई सारे फॉर्मूला से मिलके रिजल्ट आया, बट मुझे चाहिए रिजल्ट इन द सिंगल सेल में चाहिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब फॉर्मूले को आपस में कंबाइन करेंगे,
सारे फॉर्मूले को आपस में कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे कंबाइन, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं जैन और ये चूज है, तो इस चूज की फॉर्मूले को लेता हूं, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या है, C11। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। तो यहां पे हमने जहां C11 है वहां पे C11 की फॉर्मूला को यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब बिना इससे कोई लिंक नहीं है, मैं अगर इसको डिलीट कर दूं तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये है हमारा D11। अब जहां जहां D11 है वहां वहां हम इसको पेस्ट कर देंगे D11, और यहां भी हमारा D11 है तो D11 को हमने पेस्ट कर दिया। तो D11 को पेस्ट कर दिया। अब D11 को डिलीट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आता है हमारे पास B12। B12 के फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और जहां जहां B12 है वहां वहां हम इसको पेस्ट कर देते हैं। B12 हमने पेस्ट किया, अब B12 को भी डिलीट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फिर वापस हम इस फॉर्मूले इसको कॉपी करेंगे और जहां C12 है C12 के जगह पे हम C12 के फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं। देखिए हमने पहले ये एग्जांपल हम बता रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में एडवांस एक्शन होता क्या है, और फिर वापस हम इसको कॉपी करेंगे। वर्मा जी मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी सर, हम आपके वो सुन पा रहे हैं सर। स्क्रीन आ रही है ना? जी सर, परफेक्ट। राज वर्मा जी है ना? जी सर। तो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं इस सबको डिलीट कर दूंगा तो कोई मेरे रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, और हमने इसको कॉपी कर कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये एग्जांपल बताने का पर्पस यही है कि एडवांस एक्सेल यही होता है। एडवांस एक्सेल में कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं होती है, कोई अलग चीज नहीं होता है, जो चीज अवेलेबल है उसी को ट्रिकी रूप से यूज करना, अपने प्रॉब्लम को किल करना। और हमारी एडवांस एक्सेल की क्लासेस में हम आपको यही चीज समझाते हैं कि कैसे इसको किल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुतों को सम आपको पता ही होगा, बहुतों को इनडायरेक्ट पता होता है, बहुतों को एड्रेस पता होता है, मैच होता है, तो इन सबको इंडिविजुअली सबको पता होता है, बट इसको कंबाइन करना मुश्किल होता है। दूसरी, इतना लंबा फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट लिखने जाएंगे तो मुश्किल है कि आप कई सारे जगहों पर गलती करेंगे। लेकिन मेरा फॉर्मूला मर्जिंग मेथड मतलब कि हम फॉर्मूला को पहले डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में लगाएंगे, फिर उसको आपस में हम मर्ज करेंगे, और ये तरीका मेरा अपना तरीका है सर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्लियर। चलिए